not the one you wanna fuck with. Late nights messing up my sleep, so I'm thrusting. Taking out aggression with my petty, cause I trust it. But you wanna get myself a lamb color custard. सो एज़ यूजुअल हमने अपना गेम नोवो से स्टार्ट किया, बट लेटर ऑन वी केम टू नो दैट मैट्रिक्स भैया ने फॉलो नहीं किया, दैट मीन्स ही इज़ डिसकनेक्टेड. सो हम उनको इग्नोर करते करते नोवो चले गए, बिकॉज वी नो मैट्रिक्स भैया हमारे प्रो है तो वो संभाल लेंगे 1v4. सो बेसिक टैक्टिस रहता है मिडिल पे उतर के गन ढूंढने को. सो मैं इधर उतरा और जब देखा तो सामने डीपी है, लेकिन मैंने एक प्रो जंप मारा. अब एकदम एनिमी के सामने से लेफ्ट से मैं पूरा रोटेट करके डीपी उठाने के चक्कर में हूँ, क्योंकि आई सॉ लाइक नो वन इन माय टीम हैज़ गॉट दैट डीपी. सो मेरे को अभी डीपी मिल गई, अभी चलना मार देते हैं. इधर हमारे दीपक भाई पूरा हॉर्नी हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बंदे को नॉक कर दिया, तो वो मुझे बार बार कॉल दे रहे हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ. लेकिन मुझे तो भाई हेलमेट बेस्ट सब लेना है, तो मैं कलेक्ट कर रहा था, फिर भी उठ नहीं रहा था, फिर भी उठाने जाया गया. फिर गया उसके पास, सब जब लूट हो गया मेरा कंप्लीट, देन आई वेंट टू रश एट द एनिमीज. और यहाँ आपको दिखेगा सुंदर कोऑर्डिनेशन, जैसे कि कभी कभी दीपक मुझे बैकअप देता है तो मैं भी उसको कभी कभी बैकअप देता हूँ. देन इधर मुझे फुटस्टेप आया एनिमी का, सो व्हेन आई टर्न लेफ्ट देन इज नॉक्ड आउट. कंफर्म करके I thought उसके टीममेट आएंगे, but actually his teammate were like far away from him. Then इधर एक महायुद्ध चल रहा था एक प्रो बॉट और एक बॉट के बीच में, so I knocked them both. और हमारे जो प्रो बॉट साहब हैं उन्होंने अपना दिमाग लगाया है इधर, you will see after this. So हमारे प्रो बॉट साहब ने इधर फ्लेयर गन छुपा दी थी, मरेंगे लेकिन फ्लेयर नहीं देंगे. यही मेंटेलिटी रहता है सबका. और यहाँ हमारे मैट्रिक्स बबुआ जिंदा हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं कहीं से. क्या भाई मैं सबर्नी में हूँ, जा रहा हूँ. अरे मैट्रिक्स कहाँ, मैट्रिक्स भैया को और कोई जगह नहीं मिला, डायरेक्ट चले गए वो सनोक. आई मीन सबर्नी, हम हैं नोवो में और वो है. लेकिन हमने तो फाइनल करवा दिया था, खेलेंगे साथ में मरेंगे साथ में, तो हम निकले मैट्रिक्स भैया के पास डायरेक्ट सबर्नी. नोवो टू सबर्नी, देखते हैं चलते हैं इधर से. भाई कहाँ से आके बचा गया तुम? मैट्रिक्स भाई हमको थैंक्स बोल रहे हैं क्योंकि हमने उनके लिए बहुत अटैक किया है. नोवो से सवर नहीं आए उनके लिए, सिर्फ बाइक पे चढ़ के ईयर रिप करके आपके. तो अभी हम इधर से छोटा छोटा लूट कर रहे हैं. आई नीड सम 5 गन बिकॉज S12K पता नहीं, M4 मिल गई तो आई थॉट टू ड्रॉप S12K. So here we spotted some enemies, so we called everyone of our team so that we can rush. तो हमने डायरेक्ट रश किया, मैंने प्रो अंदाज में लेके बाइक को जाके स्टैंड किया जहाँ पे मैं मर सकता था, लेकिन मैं जिंदा हो गया. तो देन अभी मैं प्री फायर करा विंडो पे, एक दो शॉट लगे लेकिन वो आया नहीं चूतिया. लेकिन मैं जब प्री फायर बंद किया वो चूतिया आ गया. देन आई थ्रू ए मॉली लेकिन वो लग गया नंबर 4 को. मैं मना कर रहा था पुश मत करो, लेकिन भाई मर गया अभी. तो मैं बदले की आग में जल रहा था और ऐसे भी मोली की आग में भी जल रहा हूँ मैं अभी. तो आई थॉट लाइक चलो मर ही जाता हूँ, बदला लूँगा. तो आई टुक द बदला, मार दिया चूतिया को,
देन सब आ गए रश करने पुलिस के जैसे, सब खत्म, फिर आ गए भाई हमारे। फिर हमने दिवाली मनाया इधर, थोड़ा मज़े लिए, पटाखे फोड़े, फिर चले हम घर, क्योंकि मेहमान भी आने वाले थे, सो वी हैव टू टेक सम कवर। सो हम सब घर चले गए। हम सोचे कि इसको कैंप करते ही ये वाले को, लेकिन हम नहीं नहीं मेरे को चाहिए लूट भाई, मेरे को चाहिए। यहाँ मेरा 8x का सेंसिटिविटी का कुछ बीटी था, तो मैं उसको फिक्स करने वाला हूँ अभी आगे, लेकिन मुझे वो बोल रहे हैं कि एनिमी है पत्थर पे, सो आई डिडंट स्पॉट इट स्मॉट हिम। सो मैं और थोड़ा लेफ्ट में घूमा तो देखा एक बंदा उधर फायर कर रहा है, तो मैंने उसको नॉक किया। फिर कुछ देर में वो डायरेक्ट किल भी हो गया, क्योंकि वो पत्थर वाला बंदा जो था उनको उसको स्क्वाड हाउस वालों ने मार दिया। सो माई किल वॉज कन्फर्म्ड। सो हियर वी डिसाइडेड टू पुश द पीपल इन द स्क्वाड हाउस। तो हमने सोचा कि चलो अभी पुश मार देते हैं वहीं पे, क्योंकि वहीं पे ही बंदा है, तो अभी बोर हो रहे हैं सबके सब। कितना MK40 में टूट टूट करता रहूँ। चल बे अबे। हाँ दे। और हम इधर से जा ही रहे थे कि हमको दिखे कि सारे के सारे बंदे कंपाउंड में ही भाग रहे हैं। सो एक्चुअली दे वेयर प्लानिंग टू गेट द एयर ड्रॉप, लेकिन हमने पुश किया अभी, इधर हम पुश कर रहे हैं अभी। ये बहुत सेक्सी चीज़ है अभी। सो मैंने इधर दोनों को ले लिया M249 से। सो इनका अभी भी एक टीममेट बाकी है, सो हम इसको ढूंढेंगे अभी स्क्वाड हाउस में पूरा घूम के चारों ओर। लेकिन एक्चुअली वो स्क्वाड हाउस में था नहीं, वो बंदा गया था ड्रॉप लाने, और ये बंदों का चूतिया काट के वो चला गया था। सो अभी वो बंदे को भी हम मारेंगे अभी। सो मैं इधर इनके थर्ड टीममेट को स्पॉट कर देता हूँ, तो मैं जल्दी से बोल देता हूँ कि देखो सामने वो है, मैं ओपी स्प्रे मारता हूँ, लेकिन वो होता नहीं, हम स्काउट थोड़ी ना स्प्रे मार दे अपने आप। तो दीपक ने किल कर दिया फाइनली। सो फिर इधर से हम चलते हैं बाद में। सो वी वेर अबाउट टू गो, बट तभी दीपक ने बंदे स्पॉट कर लिए। दे केम आउट ऑफ नोवेयर किल कर दिया। लेकिन अगर अगर स्पॉट नहीं होते तो लाइक दे हैड द कैपेबिलिटी टू वाइप अस, तो इधर हम मर सकते थे, बच गए, बहुत लकी थे हम। तो फिर हम इधर से चलते हैं फिर आगे। फिर यहाँ हम गए वो रुइंस के, वो छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ को सब इग्नोर करते हैं। और यहाँ मेरी पार्किंग स्किल आती है 100 out of 100। ये देखो क्या सेक्सी बंदा हूँ मैं यार, सच्ची है क्या सच में। सो यहाँ मैट्रिक्स ने हमको लोकेशन दिया एक्चुअली एनिमी का। सो मैंने एनिमी को देखा, मैंने टैप दिया, लेकिन पता नहीं अभी हाँ शॉट लगे एक्चुअली, आई थॉट रेज ग्लिच होगा, लेकिन मैट्रिक्स ने उसको किल कर दिया। सो इधर मैंने एक एनिमी को स्पॉट किया पेड़ के पास, तो आई थॉट कि पिक करके मार दूंगा उसको। I love this doctor. So मैंने लेवल 3 का हेलमेट ले लिया साइड वाले क्रेट मतलब ड्रॉप से। फिर मैंने इधर एक बंदे को एक्चुअली स्पॉट किया था, आई डोंट नो वो कहाँ से आ गया, लेकिन फिर मैंने स्प्रे किया एंड देन ही वाज डेड। उनका गाड़ी फोड़ देता हूँ। यहाँ डुओ MK14 का एक्शन आपको दिखेगा, स्टार और मैं मिलके चला रहे हैं। सो स्टार नॉक्स हिम आउट, मैंने डैमेज दिया थोड़ा सा, उसने नॉक किया। सो मैंने कहा कि चलो पुश कर देते हैं अभी, बहुत कम बंदे हैं, हम राइट से फ्लैंक ले लेते हैं नहीं तो। सो स्टार और मैट्रिक्स लेफ्ट साइड से फ्लैंक ले रहे थे, तो मैंने राइट इन स्कोप करके एक एनिमी को स्पॉट कर दिया, लेकिन मैंने उसको शॉट देने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई दिक्कत, लेकिन वो जब प्रोन हो गया देन ही वॉज एन ईजी टारगेट फॉर मी। वो चू दिया था, उसको पता नहीं था मैं एक प्रो भाई राइट से जा रहे हैं। सो दैट वॉज द लास्ट गाय ऑन द हाई लैंड। सो हमने सोचा कि अभी लो ग्राउंड पे ही लास्ट वाला बंदा होगा, तो हमने मैट्रिक्स को बोला कि तुम नीचे जाओ, नीचे जाके चेक करो, अगर बंदा होगा तो देखता है। तो मैंने सोचा कि चलो गाड़ी लेकर निकलते हैं इधर से,
खाली घूमेंगे तो पता नहीं, शायद कोई स्टार भाई की जैसे प्रो होगा जो एक ही स्प्रे में तीनों को ले ले। तो मैंने सोचा कि चलो गाड़ी में ही चलते हैं इधर से। और इधर मैट्रिक्स भाई को मिल गया लास्ट किल, सो विनर विनर चिकन डिनर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।